हमारे बिजनेस में क्या रखा जाता है, साइड में रखा जाता है। ये चीज तो हमारे पहले तो रिजर्वर सर्कल। अब बात करते हैं रिजर्वर सर्कल को, अगर थोड़ा सा अगर डिटेल से समझ लिया है तो बहुत सारी चीजें होती होगी जो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होती होगी। सर कौन कौन से रिजर्व होते हैं? देखिए रिजर्व में कोई एक आधा रिजर्व नहीं होता है, जितने भी रिजर्व आपने पढ़े हैं उसमें बहुत सारे रिजर्व तो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं। मैं आपको केवल नाम लिखूंगा बेटा, उनको ऐसा नहीं हो कि अपन उसके अंदर उतर जाए, क्योंकि उसका रीजन ये है, क्योंकि वहां पर अपन से ये नहीं पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। हमसे ये पूछेगा बेटा कि वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व का हेड एंड सब हेड, आई बात सुनेगा। तो मैं आपको कुछ नाम बताया, तो जिसके पीछे रिजर्व दिखे हैं, जिसके पीछे क्या दिखे वो तो रिजर्व है ही है। कोई भी रिजर्व दिखे वो तो किसका पार्ट हुआ? रिजर्व का, वही तो पता चल गया। तो वो किसका हेड करेगा? शेयर होल्डर फंड, और सब हेड करेगा रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल, नहीं आई बस में क्या। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा रिजर्व के कुछ नाम की। फर्स्ट रिजर्व इज जनरल रिजर्व, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ इलेवंथ में। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का मतलब है कि जिसका कोई पर्पस फिक्स नहीं है, जो रिजर्व आपने जो रखा हुआ हमारे फॉर्म के अंदर उसका कोई पर्पस फिक्स नहीं है, आप उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड इज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल। सर ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है कुछ बताएगा आपको? कैपिटल रिजर्व का मतलब व्हेन कंपनी रिसीव द कैपिटल प्रॉफिट, अगर कंपनी को कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है। सर ये कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिजर्व ये कुछ नहीं है। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब मान लीजिए कंपनी ने कोई मशीनरी सेल की, किसको सेल किया? अगर मशीनरी सेल की है और मशीनरी थी 10 लाख की, कितने की थी बेटा? 10 लाख। और जनरली कभी सेल करने पे ऐसा होती नहीं है, सेल किसी कारण से इस कंपनी ने मशीनरी को क्या कर दिया, सेल कर दिया, लेकिन वो 12 लाख में सेल कर दी, क्या 2 लाख का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। बोलिए किसका पार्ट हुआ बेटा? ये रेवेन्यू प्रॉफिट है क्या? रेगुलर प्रॉफिट होता है ये, ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट होता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। क्या नहीं आ रही है? कभी कभार जो प्रॉफिट होता है, जो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, और जो कैपिटल प्रॉफिट जो अगर सेव करके रखा जाता है हमारे बिजनेस के अंदर, दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। थर्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। सर ये क्या होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है बेटा? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने, देखिए दो चीजें होती है, एक तो डिबेंचर को तो रिडेम्पशन करना ही पड़ता है, डिबेंचर तो क्या करना पड़ता है? रिडेम्पशन। सर ये आप बोल तो रहे रिडेम्पशन वगैरह, लेकिन पहले तो रिडेम्पशन क्या होता है यही नहीं पता हमें, तो यही तो चीज समस्या, यही तो नया वर्ड सुनते हैं तो समस्या आती है। कैपिटल तो सुना हुआ अभी तक, सुना हुआ है। रिजर्व भी अभी भी सुना था अपन ने, रिजर्व का मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी असाइड रखती है, बताया था अभी। सर ये रिडेम्पशन नया वर्ड डाल के आपने हमें और टेंशन में डाल दिया। देखिए बेटा ये शेयर है या फिर डिबेंचर, दो चीजें, या तो शेयर है या फिर क्या है, डिबेंचर। शेयर या डिबेंचर कंपनी फर्स्ट टाइम क्या करती है, इश्यू करती है, क्या करती है, इश्यू। तो सर इश्यू का मतलब क्या होता है? इश्यू का मतलब विश्वजीत यहां पर ये है कि कंपनी के पास जो शेयर थे वो शेयर कंपनी ने किसको दे दिए, पीपल को, पब्लिक को दे दिया या शेयर होल्डर को दे दिया, और उनके पास हमने क्या ले लिया, पैसा। मैं आपको एक इतना बेसिक एग्जांपल देता हूं कि सारा ये इश्यू और रिडेम्पशन सारा क्लियर हो जाए। मेरी कंपनी का नाम है विनोद लिमिटेड, क्या नाम है? अब मैंने क्या किया, 100 रुपीज वाले 1000 शेयर इश्यू किए। 100 रुपीज वाले कितने शेयर इश्यू किए बेटा? 1000 शेयर। उसमें से विनोद ने लिए हमारे पास से 200 शेयर,
विश्वजीत ने लिए हैं 300 शेयर, उमा ने लिए हैं 200 या 400 शेयर, और जो प्रीशा ने लिए वो 100 शेयर। कितने लिए बेटा? 2 + 3 5 + 4 9, 9 + 100 1000। चलिए बहुत अच्छा। अब आप मेरे को ये बता सकते हैं कि जब विनोद ने 200 शेयर लिए तो विनोद ने मेरे को पैसा दिया कि नहीं दिया? अरे विनोद को मैंने कितने शेयर दिए हैं? और विनोद ने जब 200 शेयर परचेज किए होंगे तो विनोद ने इस कंपनी को कुछ पैसा दिया कि नहीं दिया? तो एक शेयर कितने का था विश्वजीत? 100 रुपीज का। तो 100 रुपीज का तो 200 × 100 200 × तो विनोद ने मेरे को कितना दिया बेटा? 200 × 20,000। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। तो सर विश्वजीत ने कितना दिया? तो 300 × 100 30,000। 400 × 100 40,000। एंड 100 × 100 10,000। तो विनोद लिमिटेड ने कितना पैसा रिसीव कर दिया? 1 लाख। कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? ये पैसा मैंने ले लिया। मैं कंपनी हूं जिसका नाम है विनोद लिमिटेड, और मेरे पास कितना पैसा? 1 लाख रुपीज रिसीव हो गया। तो ये सब मेरी लायबिलिटीज बनी कि नहीं बनी? एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल। अरे इक्विटी है, इक्विटी जानते बताओ? शेयर होल्डर फंड बताए ना आपको। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है? आप लोग सब क्या है? और ये उनका क्या है? फंड। अरे शेयर होल्डर का फंड है कि नहीं है? दैट इज इंटरनल लायबिलिटीज, दैट इज इंटरनल। मैंने इसको इक्विटी वर्ड बोला था। क्या बोला था बेटा? इक्विटीज लायबिलिटीज अगेंस्ट द शेयर होल्डर। तो मेरी लायबिलिटीज बनी किसके अगेंस्ट में? शेयर होल्डर के अगेंस्ट में। मेरी कंपनी की लायबिलिटीज बनी है बेटा कि मेरी कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, मेरी कंपनी जितना भी प्रॉफिट, उसको किन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा? विनोद, विश्वजीत, उमा एंड क्रिसा अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कंपनी ने काफी टाइम तक बिजनेस किया और अब कंपनी को किसी भी पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी के पास खूब सारा प्रॉफिट पड़ा है। अब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को कम करना चाहती है, वो भी इंटरनल लायबिलिटीज को। इंटरनल लायबिलिटीज को क्या करना चाहती है? अभी यहाँ पर ऑनर कौन कौन है? विनोद है, विश्वजीत है, उमा है और कृषा है। कंपनी ने बोला आपने हमें कितने रुपए दिए थे? आपने हमें 20,000 रुपीज दिए थे। हमने आपको 10 साल तक क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है। वो तो 20,000 से बहुत ज्यादा दे दिया हमने आपको। अब आपने जो 20,000 रुपीज लगाया था, हम आपको वापस से देना चाहते हैं, रीपेमेंट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा? ताकि कंपनी की लायबिलिटीज क्या हो सके? दैट इज रिडेम्पशन, दैट इज रिडेम्पशन। एक चीज बता दू, जनरली कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, मतलब पब्लिक में सेल कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे ही कौन सेल किया, मतलब कंपनी के पास पैसा आ गया और शेयर वापस चले गए पब्लिक के पास। और बाद में क्या करती है कि वो परचेज कर देती है वही शेयर। क्या कर देती है? तो परचेज कर देती है, तो कंपनी क्या करती है? उनको पैसा देती है, शेयर होल्डर को क्या कर देती है? पैसा देती है, और कंपनी वो शेयर अपने पास रख लेती है ताकि वो लायबिलिटीज क्या हो जाए? खत्म हो जाए। दैट इज रिडेम्पशन। उमा, इश्यू का सुना है बेटा? इश्यू का मतलब कंपनी ने पब्लिक में शेयर ऑफर किए हैं, और रिडेम्पशन का मतलब कंपनी ने वो शेयर वापस से परचेज कर दी, बायबैक कर दी बेटा। क्या कर दिए? बायबैक, वापस से ले लिया। दैट इज रिडेम्पशन, दैट इज रिडेम्पशन। तो सर ये रिडेम्पशन जो है, अब उसके आगे जो रिजर्व लिखा हुआ वो क्या है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अगर मान लीजिए कंपनी को 1 लाख की कैपिटल का रिडेम्पशन करना है, तो क्या उसके लिए पहले थोड़ा रिजर्व बनाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक जनरली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व की जगह मैं लिखता हूँ, आपको एक 5 ईयर के बाद में आपके पापा को यहाँ एक कार खरीदनी है। क्या खरीदनी है? जिसकी रेट है 10 लाख रुपीज। तो डायरेक्ट क्या 5 साल के बाद में 10 लाख रुपीज कहीं से कोई लॉटरी लगेगी क्या? अभी से कुछ ना कुछ स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, कभी 1 लाख रुपीज, कभी 2 लाख रुपीज, जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत अपन ने सेविंग किया,
तो वो रिजर्व अपन जो बना रहे हैं वो पर्टिकुलर किसके लिए बना रहे हैं? कार परचेज करने के लिए। तो ये जब रिडेम्पशन जब हमें 10 ईयर के बाद में करना है तो कंपनी क्या करती है, हमारे कंपनी हमारे बिजनेस के अंदर कुछ पैसा उस नाम से रिजर्व करती है, दैट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये किसके लिए किया जाता है? शेयर को या फिर जो कैपिटल जो है उसको अपन रिडेम्पशन करने के लिए, या फिर जो शेयर कैपिटल है उसको रिडेम्पशन करने के लिए। वैसा क्या वैसा सेम हो सकता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? जैसे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है वैसे क्या हो सकता है बेटा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इसलिए हो सकता है बेटा कि डिबेंचर जो इश्यू किए होंगे उसके अगेंस्ट में भी कंपनी ने क्या लिए होंगे? पहले तो पैसे इश्यू करने का मतलब कंपनी ने वो डिबेंचर जो है पब्लिक में ऑफर किया, कंपनी को ने ऑफर किया, जिन जिन को परचेज करना था उन्होंने कंपनी से वो डिबेंचर क्या कर दिए होंगे? परचेज कर दिए होंगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर। तो सर ये क्या टाइम फिक्स होता है? बिल्कुल, जब वो परचेज करते हैं बेटा तो उस समय कंपनी डायरेक्ट कोई ऑफर नहीं करती है कि वहां पर दुकान पे जाके बोले कि मेरे शेयर ले लो, शेयर ले लो, ऐसा कुछ। उसके पहले उसको क्या करना होता है? प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना होता है कंपनी को। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? प्रॉस्पेक्टस इश्यू करेगी, पब्लिक पढ़ेगी उसको, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखी हुई होती है, फिर जो पब्लिक पसंद करती है वो परचेज करती है। उसमें सारा लिखा हुआ होगा कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर कंपनी उसको क्या कर देगी? उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस से क्या कर देगी? रीपे कर देगी। दैट इज रिडेम्पशन। आई बात समझ गया? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 ईयर, 10 ईयर, 5, 15 ईयर समझ में आ रहा आपको? वो प्रॉस्पेक्टस के अंदर लिखा हुआ होगा कि वो डिबेंचर जो है वो रिडेम्पशन कितने साल के बाद में होने वाले हैं। तो कंपनी उसको रिडेम्पशन करने के लिए पहले से क्या करती है बेटा? तैयारी करती है। उन डिबेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी ने जो रिजर्व बना रखा है दैट इज रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और शेयर को रिडेम्पशन करने के लिए जो शेयर अभी प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन होते हैं बेटा, ओनली फॉर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर रिडेम्पशन नहीं होते, उनको बाय बैक किया जाता है। आई बस में क्या? तो बेटा ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इवेंट सरप्लस। आई बस में क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम जिसे एग्जाम में पूछा था बहुत बार, क्या पूछा था बेटा? लेकिन जनरली वर्ड लिखा था केवल सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व पीछे लिखते रिजर्व तो लिखते तो डायरेक्ट पता चल गया रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर होल्डर फंड, पता ही आपको, बाकी तो कोई दिक्कत ही। तो सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम तो है, इसका मतलब क्या है? व्हेन कंपनी शेयर इश्यू या व्हेन कंपनी इश्यू डिबेंचर या शेयर मोर देन द फेस वैल्यू, मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ये क्या है बेटा? फेस वैल्यू बोल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू का मतलब उसकी प्राइस जो कंपनी ने डिसाइड करके वो 100 रुपीज है। अब कंपनी चाहे तो शेयर को 500 में भी इश्यू कर सकती है। कंपनी इसको कितने में इश्यू कर सकती है? तो सर क्या सबकी इच्छा नहीं होती होगी क्या? अरे इच्छा तो सबकी 500 में नहीं 5000 में करने की होती है, लेकिन पब्लिक की भी तो इच्छा होनी चाहिए खरीदने की। मैंने इश्यू कर दिया कि मैं तो इसको 5000 में इश्यू कर रहा हूँ, कितने में? लेकिन पब्लिक में एक भी खरीदने वाला नहीं है, बोले कि नहीं जी आपकी इच्छा आपके पास रखी है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 100 में करना पड़ेगा। 100 की जगह मैंने बोला कि 200 में करते तो भी पब्लिक बोल रही मेरे को तो नहीं परचेज करना, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है? 100 में भी करना पड़ सकता है। लेकिन कोई कंपनी बहुत ही रेपुटेड है, 100 का शेयर 1000 भी दे रहे हैं तो अभी परचेज आराम से कर रहे हैं लोग, तो कंपनी कोई पागल तो है नहीं है कि 100 का शेयर 100 में इश्यू करेगी, जब वो 1000 में शेयर इश्यू कर सकती है और पब्लिक परचेज भी कर रही है। कंपनी पहले सर्वे करवाती है, क्या करवाती है? मार्केट में सर्वे करवाती है शेयर इश्यू करने से पहले, कि जाके पूछिए आप पब्लिक से, कुछ उनके जो ऑफिसर्स होते हैं जो सर्वे करने के लिए जो एम्प्लॉइज होते हैं वो वहां पर मार्केट में जाके ये पूछते हैं, पता करते हैं। सर्वे समझते आप, घर घर नहीं जाते बेटा, एक सैंपल लेते हैं कि क्या ऐसे चीज कंपनी ये शेयर इश्यू करे तो क्या बिक सकते हैं कि नहीं बिक सकते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड है और कौन कौन इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए एक सर्वे किया और बाद में पता चला कि यही 100 का शेयर अगर कंपनी 150 में भी इश्यू करेगा, कितने में? तो भी ये सारे शेयर बिक सकते हैं। तो जो सर्वे जो करने वाले हैं वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि आप आराम से कितने में शेयर इश्यू कर सकते हैं, और पब्लिक परचेज करेगी करेगी, तो कंपनी अपना लॉस क्यों करेगी? लॉस का मतलब यहाँ पर 100 से कम में नहीं कर रही, लॉस तो नहीं है, लेकिन अगर ये 150 में बिक सकता है तो वो क्यों 100 में बेचेगी? उस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है बेटा?
वो शेयर 150 में इश्यू करती है। व्हेन कंपनी इश्यूड शेयर मोर देन द फेस वैल्यू दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोल सकते हैं। ये प्रॉफिट है कि नहीं है? अरे नहीं है क्या प्रॉफिट? 100 का शेयर है, कितने में इश्यू किया, कितने का प्रॉफिट हुआ? दिस इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आई बस में क्या? और ये भी कैपिटल प्रॉफिट हमारा। कौन सा प्रॉफिट है? रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है, सुन लेना। कौन सा प्रॉफिट है ये? रेवेन्यू प्रॉफिट तो वो होता है जो रेगुलर होता है। क्या ये रेगुलर होता है क्या? शेयर रोज इश्यू करते हूँ, चलिए ये की काम है सुबह उठते ही बिजनेस करना है कि खाली शेयर इश्यू करना है? शेयर इश्यू तो तब करते हैं बेटा जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आगे चले। एक बस याद रखना ये वाला फिक्स करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। एक्चुअली होता है क्या, रिजर्व तो सब लिखा आता है कृषा, खाली सिक्योरिटी प्रीमियम में थोड़ी समस्या रहती है, बाकी तो सब पीछे क्या दिख जाते हैं, तो वो सब किस में डाल देते हैं? शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें तो कोई दिक्कत। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब आता है तो उसके पीछे कोई रिजर्व है क्या? तो उसमें बच्चों के दिमाग से निकल जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब सरप्लस ही है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का मतलब क्या है? सरप्लस। एंड अपना हेड तो क्या है? सब हेड तो क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्वेश्चन आपसे जब पूछेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस में आता है, तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ तो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहाँ पर क्या लिखेगा? शेयर होल्डर फंड, लेकिन शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस। पता चल रहा है विनोद आपको? चलिए बहुत अच्छा। कुछ भी प्रॉब्लम आए कभी भी आप बीच में सीधा बताएंगे कि सर यहाँ पर हमें समस्या है। देखिए मैंने आपको कुछ नाम बताए, और भी नाम आएगा सर। अब ये नाम बताया इसका मतलब यही फाइनल नहीं है, यही फाइनल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पीछे रिजर्व आया, समझ तो गए, आंसर तो समझ गए, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन होता क्या सर, अगर हम वर्कमैन को कंपनसेशन देना चाहते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय जो काम करते हैं या जो लेबर जो काम करते हैं उनके अगर बाई चांस कुछ लग जाती है, ऐसे होता है बहुत बार फैक्ट्री में या फिर मशीन में हाथ कट जाता है वगैरह, तो उनको अपन क्या देते हैं? तो कंपनसेशन देते हैं। उसके लिए भी तो पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी रिजर्व बना के रखती है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये देखो बेटा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ रिजर्व टू व्हिच डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ एंड इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर इश्यू टू एम्प्लॉय इन द क्रेडिट ओवर द वेस्टिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 75 एंड इज टू बी इश्यू द एम्प्लॉय 50। देखिए बेटा शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी एक्चुअली? होता क्या बेटा, पता क्या आपको, इसको एक हमारे पास एक ऑप्शन प्लान है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसमें होता क्या है कि कंपनी क्या करती है, अपने ये सब कंपनी का पार्ट है, हम फाइनेंशियल को पढ़ रहे हैं, कंपनी जो पढ़ेगी तो उसमें सारी चीज पढ़ेगी। एक्चुअली होता ही है बेटा कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देती है कि आप सैलरी के बदले में, कैश के बदले में आप चाहें तो हमारे शेयर परचेज, और वो भी कम रेट में। एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट देते हैं कि हम आपको एक ऑफर करते हैं कि ऐसे तो हमारी कंपनी की मार्केट प्राइस जो शेयर की है वो तो ज्यादा है, और हम आपको क्या कर रहे हैं, कम में शेयर इश्यू कर रहे हैं। हाँ, हम आपको शेयर दे रहे हैं, कैश की जगह क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है वो इस रीजन में डालते हैं, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आई बात समझ में क्या? ऐसे रिवैल्यूएशन रिजर्व भी हैं। क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन आएगा नहीं बेटा, मैं आपसे बता देता हूँ, डिस्कस सारे कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब नहीं बताने के रीजन क्या है। ऐसे ऑप्शन रिजर्व के तो हजारों मिल जाएगा आपको,
और बुक्स पढ़ेंगे तो और आपको रिजर्व के नाम मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली हम जो पिछले 10 साल के जो पेपर देख रहे हैं उसमें हमारे जो बोर्ड एग्जामिनर में जो उसका पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन सारी चीजों को नहीं देख पाते। फिर मैंने डिस्कस किया था कि चैप्टर पूरे कितने मार्क्स का है फोर। ये है और नेक्स्ट। इसकी वजह से अगर अपन एग्जाम को भी थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें तो ये सब चीजें अपन अंदर से नहीं पढ़ सकते हैं। ये नाम भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है बेटा आपको, ताकि ऐसा सुना हो तो हो कम से कम आपने कि ये रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयरहोल्डर फंड का पार्ट है। आई बात सुने क्या? बिल्कुल सुना हुआ ही नहीं होगा तो बोले क्या पता किसी दूसरे का तो पार्ट नहीं है। ये चीज है, लेकिन मैंने तो बोल दिया आपको जिसके पीछे रिजर्व है वो तो किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर होल्डर फंड। हेड तो क्या रहेगा? शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या रहेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। सर जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? मान लीजिए अगर कंपनी अपनी असेट्स के रीवैल्यूएशन करती है, असेट्स क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है मान लीजिए। हाँ, अगर ये मान लीजिए बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की जब मैंने यहाँ पर या फिर हमारे पापा ने जब इस बिल्डिंग को बनाया तो मान लीजिए 20 लाख रुपए लगे। कितने रुपए लगे? लेकिन क्या अभी भी इसकी वैल्यू 20 लाख है क्या? धीरे धीरे इसके ऊपर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा नहीं होती, लैंड की वैल्यू ज्यादा होती है। जनरली जैसे हम बोया आते हैं वैसे उधर तो हम आपके देखते हैं वो 3 बिल्डिंगें बनाई है ऐसे बड़ी बड़ी, तो अब उसकी प्राइस भले 3 करोड़ है या 5 करोड़ है, लेकिन जब वो पुरानी हो जाएगी 20 साल 40 साल या 50 साल के बाद में, तब उस बिल्डिंग का 5 करोड़ कोई नहीं। लैंड की आपकी कीमत मान लीजिए, अभी अपन लैंड एंड बिल्डिंग कंबाइंड बोलते हैं जनरली पता है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि उस लैंड के ऊपर क्या बन चुकी है तो वो तो दोनों मिक्स ही है। बोले मेरे को बिल्डिंग बिल्डिंग खरीदनी है, आप लैंड एंड अपनी लेके जाओ, ऐसा होता है क्या? तो देखो पॉसिबल नहीं है, उस हिसाब से उसकी रेट होती है। लेकिन बिल्डिंग की भी वैल्यू जैसे मान लीजिए कम होगी, चलिए बिल्डिंग छोड़ते आप मशीनरी ले लीजिए, बिल्डिंग में आप कंफ्यूज मत होइए, बढ़ भी तो सकती है, बढ़ सकती है, बढ़ा भी सकते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि लोगों को बिल्डिंग ही नहीं मिल रही है पुरानी नई, उससे क्या मतलब है? रहने के लिए घर तो होना चाहिए, तो लोग उस 20 लाख की जगह 50 लाख भी देने के लिए तैयार है। हो सकता है कि नहीं हो सकता कृष्ण? तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो कम ही होगी, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि कम भी हो सकती है, और रीवैल्यू का मतलब उसकी वापस रिवाइज वैल्यू देखती है। तो मान लीजिए किसी कंपनी की मशीनरी है, उसकी पहले वैल्यू थी मान लीजिए 50,000 जब उसने परचेज की थी, और उसके बाद में उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो उसका लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता उसको? तो उसके लिए उसको पता है कि जब मैं रीवैल्यू करूंगा तो मेरी असेट्स की वैल्यू अगर कम हो सकती है तो उसके लिए वो पहले से क्या बना के रखता है बेटा? रिजर्व बना के रखता है, दैट इज रीवैल्यूएशन रिजर्व। फ्यूचर के प्रॉफिट लॉस के लिए तो अपन रिजर्व बनाते हैं, स्वास्थ्य से कोई बनाते क्या? रिजर्व जो बनाया जाता है वो फ्यूचर में लॉस से बचने के लिए बनाया जाता है जनरली। वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया है? कि अगर फ्यूचर में वॉकमैन को अगर कंपनसेशन देना पड़ा तो वो फिर अपन प्रॉफिट में से नहीं दे, उस रिजर्व में से दे सकते हैं। आपने ज्यादा तो कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट तो सुना था। अगर बैड डेब्ट हो जाती है तो उसका अपन सेटलमेंट किस में से कर सकते हैं? प्रोविजन से कर सकते हैं। आई बस में तो ये सब पार्ट था रीजन का, किसका पार्ट था? देखिए बहुत सारा डिटेल से लिखा हुआ है, इतना डिटेल से मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है कि अपना टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं है। जहां तक मेरे को लगता है कि हमारा काम यहां तक तो बिल्कुल ओके। फर्स्ट इज शेयर होल्डर फंड हेड एंड फर्स्ट सब हेड इज, अरे बेटा 5 मिनट, फर्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज रिजर्व एंड सरप्लस। कोई डाउट हो तो बताइए। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज एंड लास्ट थर्ड मनी रिसीव अगेंस्ट वॉरंट्स। बता दू ताकि फर्स्ट हेड खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हेड कौन सा बता आपको? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज मैंने बता दी वो बताया तो आपको। शेयर होल्डर फंड में मैंने शेयर कैपिटल को डिस्कस कर दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्कस कर दिया बेटा। ज्यादा आपसे कभी ये पूछेगा नहीं कि रिजर्व एंड सरप्लस की डेफिनेशन लिखी है, ये पहली में बताता हूँ। इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है, पर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, मैं आपको पहली बार इतना डिटेल से थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। आज भी कभी नहीं पूछते बेटा, आप पेपर कोई भी उठा के देख लेना। ये जैसे ही बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये कितने मार्क्स की बुक है? 20 मार्क्स की। कितने दिन में खत्म करने वाले? 10 to 15 डेज में खत्म करेंगे ही करेंगे।
अब अगर 10 डेज या 15 डेज में अगर अपन खत्म करते हैं इस बुक्स को, तो उसके बाद में आपके एक बेनिफिट हो जाएगा कि आप इसके पेपर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? तो सर पेपर तो पूरे बुक्स का आता है, ऐसा क्या अलग से बुक आता है क्या? ये बेटा बी पार्ट है। हमारे पेपर में कौन सा पार्ट है? ये बी। पेपर टू पार्ट में आता है, फर्स्ट इज ए पार्ट एंड सेकेंड इज बी पार्ट। एंड बी पार्ट में केवल फाइनेंशियली आती है 20 मार्क्स की, ए पार्ट में 60 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होते हैं? जैसा पार्टनर सेफ कंपनी सारी आती है। तो आप कोई भी बुक्स ले लीजिए, सैंपल पेपर ले लीजिए, उसमें कौन सा पार्ट कर सकते हैं? बी पार्ट। 20 में से कितने मार्क्स आते हैं उसको चेक करना है। आई बात सुने क्या? और आपने लेके तो मैं लूंगा यहाँ पर पेपर किसी भी हालत में। 20 में से जब तक 20 नहीं आते हैं पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। चलिए तो सर ये मनी रिसीव अगेंस्ट वॉरंट क्या है ये आप बता दीजिए ताकि हमारा आज की क्लास खत्म हो जाए। मनी रिसीव अगेंस्ट, देखिए मैं आपको जनरली बता देता हूँ, फिर मैं आपको भले आप उसको डिफाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। मनी रिसीव, मनी अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स, नाम से तो पता चल रहा होगा मनी रिसीव हुआ कंपनी को। नाम से क्या पता चला? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर यही है कृष्ण। ये थर्ड सब हेड है जिसका शेयर होल्डर फंड का। तो ये शेयर होल्डर फंड आज क्या हो जाएगा? और कल आते आपको नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज बता देंगे। बिल्कुल छोटे छोटे से बचे, सबसे बड़ी समस्या थी वो आज हमने खत्म कर दी है। तो सर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स एक बार बता दीजिए ना फटाफट से। मनी रिसीव अगेंस्ट वॉरंट्स का मतलब यहाँ पर बेटा ये है कि कंपनी पहले ही मनी रिसीव कर देती है तो लायबिलिटीज है कि नहीं है, इसलिए एक साइड में लिखते हैं अपन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। लेकिन होता क्या है अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स, अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स का मतलब ये होता है कृष्णा कि कंपनी के पास अभी देने के लिए शेयर नहीं है। आपने मेरे को पैसा दिया 10,000 रुपीज, लेकिन मैं शेयर आपको अभी नहीं दे रहा हूँ। तो बोले तभी नहीं दे, तो मैं 10,000 रुपए की दू? आपने मेरे को 10,000 रुपए दिए लेकिन मैं आपको शेयर अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपने मेरे को जो 10,000 रुपीज दिए हैं उसको आपको इन फ्यूचर में एक पर्टिकुलर डेट बताई जाती है कि इस डेट को मैं आपको, इस डेट को और इस रेट पे, डेट एंड रेट दोनों ही पहले क्या हो जाती है? फिक्स। डेट एंड रेट, डेट भी आज ही फिक्स करूंगा और रेट भी आज ही फिक्स करूंगा और बोलूंगा मैं आपको इस डेट को आपको दे दूंगा। आपने मेरे को पैसे पहले दिए, दैट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स। क्या कुछ समझ में आपको कि नहीं आया? मतलब यहां पर मेरा यह है बेटा कि अगर कंपनी को, इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को पहले ही मनी रिसीव हो जाती है शेयर फ्यूचर में इश्यू करेगी और वो भी पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर रेट पे। तो क्या लाइन लिखना है सर? लाइन ये लिखनी है शेयर वॉरंट्स, शेयर वॉरंट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखना है बेटा? सर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इंस्ट्रूमेंट समझते आप? डॉक्यूमेंट्स। क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक टाइप का सर्टिफिकेट है। Which give the right to acquire है, लेकिन ये क्या है बेटा? ये बोल रहा है कि जो शेयर वॉरंट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर वॉरंट क्या होता है? अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास होता है, जिस होल्डर के पास होता है, जिसके पास वो शेयर इंस्ट्रूमेंट है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है शेयर वॉरंट्स है, उसको राइट होता है बेटा टू एक्वायर। उसको क्या करने का? एक्वायर करने का इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को एक्वायर करने का, इक्विटी शेयर एट अ स्पेसिफिक डेट, डेट एंड रेट। इतना आप लिख के आओगे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वॉरंट्स या फिर शेयर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स? शेयर वॉरंट्स आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर वॉरंट्स आर द व्हिच गिव द होल्डर, व्हिच ये क्या करता है? द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन ये क्या करता है? व्हिच गिव, ये देता है क्या द होल्डर
राइट उस होल्डर को क्या देता है, राइट देता है, किसका राइट देता है, टू एक्वायर इक्विटी शेयर, टू एक्वायर इक्विटी शेयर एट स्पेसिफिक डेट एंड रेट। हमने आपको समझाया था वो समय, ये तो डेफिनेशन है, पूछे तो लिखना है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है तो क्या आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं? बताना विश्वजीत, ये है कि सर कभी कभार कंपनी उन शेयर होल्डर को शेयर देती तो नहीं है, इक्विटी शेयर देती तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर में देने का क्या करती है, प्रॉमिस करती है। तो प्रॉमिस करने के लिए प्रॉमिस से काम चलता है क्या? आपने मेरे को 10,000 दिया और मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया मैं आपको दे दूंगा, आपको भरोसा है क्या? इसलिए मैं आपको क्या देता हूँ, एक सर्टिफिकेट देता हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट देता हूँ। तो वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, शेयर वारंट्स। तो शेयर वारंट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। शेयर वारंट्स क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच गिव द होल्डर राइट, जिसके पास होता है उसको राइट होता है टू एक्वायर इक्विटी शेयर, उसको इक्विटी शेयर एक्वायर करने का एट स्पेसिफिक डेट एंड रेट। फर्स्ट ईयर इज कंप्लीट, शेयर होल्डर फंड इज कंप्लीट, नेक्स्ट इज